नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत लोगों का क्वेश्चन है, बहुत लोगों का आपको क्या मतलब क्वेरी है जो आपको अभी जो लॉन्च हुआ है गोरिल्ला 450 रॉयल एनफील्ड का, बिल्कुल आपको हंटर 350 टाइप का दिखता है और कुछ लोग भी कह रहे हैं ये बड़ा हंटर है। दोनों गाड़ी के बीच में 1 लाख का ऑनरोड में डिफरेंस है, तो यहाँ किसके बाद ना आपको इसके साथ कंपेयर करना ही भूल जाओ भाई। 1 लाख कोई छोटी अमाउंट नहीं है, लिटिल कंपेरिजन करेंगे बिटवीन आपको हंटर 350 एंड गोरिल्ला 450। सबसे पहले हम आपको फ्रंट वाला प्रोफाइल दिखाएंगे, तो ये रहा हंटर 350 का जो आपको हेलोजन सेटअप के साथ मिलेगा, हज़ार से मिलने वाला है। सेम चीज़ यहाँ पे अगर देखेंगे ये आपको फुल्ली LED सेटअप के साथ मिलेगा, ये आपको स्प्लिट वाला मिलने वाला, नीचे DRL ये भी आपको LED का मिलेगा। इसको हेडलैम्प वाला जो गार्ड लगा है ये भाई एक्स्ट्रा एसेसरीज में आता है, ये कंपनी के साइड से प्रोवाइड नहीं किया जाता। बट इसमें जो सस्पेंशन है दोनों में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलने वाला है, दोनों में आपको रबर किया हुआ कवरिंग मिलने वाला है, दोनों में सेम जगह पे आप देख पा रहे होंगे आपको रिफ्लेक्टर भी बेजिंग किया हुआ आपको मिलने वाला है। और सेफ्टी के ऊपर रॉयल एनफील्ड ने बहुत ध्यान दिया है, दोनों आपको डुअल चैनल ABS के साथ मिलेगा। इस वाले अगर गोरिल्ला की बात करेंगे तो 310mm की यहाँ पे वो डिस्प्ले प्लेट मिल रहा है जो कि आपको बेबरी के द्वारा मिल रहा है। सेम चीज़ यहाँ पे अगर देखेंगे तो 300mm का यहाँ पे वो डिस्प्ले प्लेट मिल रहा है और आपको एलोवील आप कुछ इस टाइप का आपको मिलने वाला है, ब्लैक कलर का मिलेगा, 110 सेशन का मिलेगा, 110 70 17 इंच का यहाँ पे आपको ट्यूबलेस टायर मिलेगा। सेम चीज़ अगर यहाँ पे अगर देखेंगे आपको ये सेट के द्वारा मिलने वाला है और 120 सेशन का मिलेगा, 120 17 इंच का यहाँ पे आपको रेडियल ट्यूबलेस टायर आपको मिलने वाला है। फेंडर आपको दोनों सेम टाइप का आपको दिखने वाला है, ग्लॉसी ब्लैक कलर का, पीछे से आपको मैट ब्लैक कलर। तो पीछे वाला टायर और ब्रेकिंग सिस्टम की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 273mm की यहाँ पे वो डिस्प्ले प्लेट मिलेगा, अलेवेल प्लेट को ब्लैक कलर का मिलेगा। इसमें अगर देखेंगे तो 153mm की यहाँ पे आपको डिस्प्ले प्लेट मिल रहा है, ब्लैक कलर का अलेवेल मिलेगा। टायर यहाँ पे आपको देखो 140 सेशन का मिलेगा, 70 17 इंच का यहाँ पे आपको के द्वारा बेस्ट क्वालिटी ट्यूबलेस टायर ऑफर किया गया। इस साइड में अगर देखेंगे तो आपको सीट के साइड से मिलेगा, बट आप ये 160 सेशन का भाई 17 इंच का यहाँ पे आपको ट्यूबलेस टायर मिलने वाला है। इस साइड से अगर देखेंगे तो ये देखो कितना ब्लॉक पटन में टायर मिलने वाला है, मोटी चौड़ी भी है, यहाँ से अगर पकड़ेंगे कितनी मोटी टायर आपको मिलने वाला है। अच्छा वाला प्रोफाइल देखेंगे तो ये आपको हेलोजन का आपको पीछे आपको इंडिकेटर लाइट मिलने वाला, टेल लैम्प LED का मिलेगा, ये फुल्ली LED सेटअप के साथ मिलेगा। पीछे वाला फेंडर दोनों में सेम मिलने वाला, एक रिफ्लेक्टर मिलेगा वहाँ पे भी एक रिफ्लेक्टर मिलने वाला है और ये नंबर प्लेट वाला लाइट भी मिलने वाला है। साड़ी कार की बात करेंगे तो आपको जाली टाइप का साड़ी कार मिल रहा है, सेम चीज़ें यहाँ पे आपको मिलने वाला है। सीट आपको बिल्कुल आपको यहाँ पे गोरिल्ला 450 में थोड़ा कर्व टाइप का मिलने वाला है और आपको इसकी गाड़ी की अगर कुशनिंग की बात करेंगे तो बहुत ही सॉफ्ट किया गया। यहाँ पे अगर देखेंगे तो सेम चीज़ें यहाँ पे बहुत ही सॉफ्ट मिलने वाला है। फॉर्म इसके अंदर जो फॉर्म यूज किया गया बहुत ही बेहतरीन फॉर्म यूज किया गया। इसका अगर सीट हाइट की बात करेंगे तो 780mm की यहाँ पे आपको सीट हाइट मिलेगा और इसका अगर बात करेंगे तो 800mm की यहाँ पे आपको सीट हाइट मिल रहा है। और गोरिल्ला का अगर आप बात करेंगे कर्व वेट की तो 185 kg की ये गाड़ी आपको मिलेगा और हंटर 350 आपको 177 kg की ये गाड़ी आपको मिलने वाला है। ये जो आपको पिलियन वाला बैकरेस्ट ये आपको एक्स्ट्रा एसेसरी में आता है, इसको लगाना पड़ेगा और होल्डिंग के लिए यहाँ पे आपको होल्ड करना पड़ेगा। बैंडल आपको स्प्लिट वाला मिलेगा, इस साइड से पकड़ के पिलियन बैठ सकता है और इसका पिलियन फुट पैड आपको देखेंगे तो यहाँ पे मेटल वाला मिलने वाला है, राइडर वाला फुट पैड आपको इस टाइप का रबर का मिलेगा, ब्रेक लीवर कुछ इस टाइप का मिलने वाला है। इस साइड में आपको सेम चीज़ें यहाँ पे मिलेगा बट आपको ये एग्जॉस्ट और सिंगल सिलेंडर मिलने वाला है। यहाँ पे देखो मेटल का मिलेगा कवरिंग, इसका आपको मफलर गार्ड जो है ये भी आपको मेटल का मिलने वाला है। सेम चीज़ यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये मफलर गार्ड यहाँ पे मेटल का मिलने वाला है और ये बिल्कुल ब्लैक बॉडी के साथ आपको मिलने वाला है। गाड़ी का एक जस्ट नोट एक बार आपको सुनाते हैं, हंटर 350 का एग्जॉस्ट नोट एक बार आपको सुनाते हैं। लुक और डिजाइन दिखाते हैं, डिजाइन देखेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं हंटर 350 का। ये ऑल टैंक के ऊपर आपको रॉयल एनफील्ड का बेजिंग किया हुआ मिलेगा, स्टिकर मिलने वाला है, नीचे आपको व्हाइट कलर का एनफील्ड करके बेजिंग किया हुआ मिलने वाला है। जो है ना भाई ये आपको डुअल टोन कलर का मिलने वाला है, इस साइड में आपको व्हाइट कलर, ऊपर आपको ब्लू कलर मिलेगा और साइड पैनल में आएंगे तो यहाँ पे ये ग्लॉसी ब्लैक कलर का मिलेगा, यहाँ पे रॉयल एनफील्ड हंटर 350 लिखा हुआ आपको मिलने वाला है। सेम चीज़ हम आपको गोरिल्ला 450 में दिखेंगे तो इसका जो आपको लुक ना बड़ी मज़ेदार है, एक फंकी लुक दिया गया है, एक स्पोर्टी लुक के टाइप आपको मिलने वाला है, बिल्कुल कॉम्पैक्ट टाइप का है। यहाँ पे आपको नज़दीक दिखा रहा हूँ
यहाँ पे आपको रॉयल एनफील्ड आपको पर्पल कलर का मिलने वाला है, यहाँ पे बेजिंग क्या हुआ जो है ना, और ये येलो कलर का आपको मिलेगा। इस साइड में आपको गोरिल्ला करके बेजिंग क्या हुआ मिलने वाला है, यहाँ पे डॉट डॉट करके जो आपको ग्राफिक्स किया गया ना पर्पल कलर दिख जाता है यहाँ पे, और इसके ऊपर आपको गोरिल्ला 450 करके आपको लिखा हुआ मिलने वाला है। साइड पैनल में आएंगे तो बिल्कुल येलो कलर का मिलेगा और इसमें आपको ब्लैक कलर का मिलने वाला है। 43mm की यहाँ पे मोनो सस्पेंशन मिल रहा है, सेम चीज़ है यहाँ पे आपको हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिल रहा है। टैंक की ये आपको गोरिल्ला 450 जो है ना वो E20 सपोर्टेड 11 लीटर का ऑयल टैंक मिलेगा। सेम चीज़ अगर हम 100-350 में देखेंगे तो E20 सपोर्टेड 13 लीटर का यहाँ पे ऑयल टैंक मिल रहा है। थैंक्स टू कंट्री मोटर मध्यम ग्राम कोलकाता वेस्ट बंगाल, इनका शोरूम है। अगर आप नियर बाय कोलकाता में रहते हैं या कोलकाता में हैं तो आप ये शोरूम विजिट कर सकते हैं। बाकी मोबाइल नंबर और लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, बाकी आप चेकआउट कर सकते हैं। की ना बिल्कुल सेम टू सेम मिलने वाला है। आप इस गाड़ी का इग्निशन ऑन करते हैं, जैसे गाड़ी का इग्निशन ऑन करेंगे ये रहा, इसमें आपको सेमी डिजिटल आपको मिलने वाला है। यहाँ पे गियर इंडिकेटर मिलेगा, ट्रिप पे मिलेगा, यहाँ पे डिजिटल घड़ी मिलेगा, ये RPM मीटर ऊपर आपको आपको एनालॉग में मिलने वाला है। नीचे आपको न्यूट्रल और ABS का साइन, इस साइड में आपको पास साइड वाला बटन या आपको साइड इंडिकेटर वाला बटन, ऊपर आपके गाड़ी बटन दिया गया, जैसे आप करेंगे तो ये आपको चेंज होता हुआ मिलेगा। और आपको इसमें आपको USB पोर्ट जो है आपको इस वाले पोर्शन में मिलेगा, यहाँ पे आपको USB पोर्ट मिलने वाला है। सेम चीज़ अगर हम आप गोरिल्ला 450 में देखेंगे तो ये आपको फुल्ली डिजिटल कंसोल मिलने वाला है। ये देखिए गोरिल्ला करके यहाँ पे आपको दिखाई देगा, फुल्ली डिजिटल मिलेगा भाई। यहाँ पे आपको GPS भी कनेक्ट कर सकते हैं, बेजिंग क्या हुआ, ABS का, ट्रिप वन, साइड स्टैंड ऑन है तो यहाँ पे दिखाई देगा, डिजिटल घड़ी, स्पीडोमीटर और आपको ट्रिपोमीटर सारे डिजिटल में मिलेगा। इसके बगल में M करके बटन रहेगा, इसको जैसे दबाएंगे तो ये देखिए राइड मोड, परफॉर्मेंस, ABS, ये सारे चीज़ें आपको यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं। इस साइड में आएंगे तो आपको ये पास लाइट वाला बटन, ये आपको इंडिकेटर वाला बटन, इसमें आपको हजार्स वाला बटन यहाँ पे मिलने वाला है, और ये आपको पावर स्टार्ट, यहाँ पे ओनली आपको पावर स्टार्ट मिलने वाला है। करेंगे तो 100-350 का इंजन की बात करेंगे तो 349.34 cc की सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक DSOHC इंजन मिलेगी। अब जो आपको ऑयल कोल्ड आपको इंजन है भाई, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 20 BHP की पावर मिल जाएगा। टॉर्क की बात करेंगे तो 27 न्यूटन मीटर की यहाँ पर आपको टॉर्क मिल जाएगा। अब ये आपको 5 स्पीड गियर मिलने वाला है, एक आगे 4 पीछे कर सकते हैं, दोनों स्टैंड मिलेगा, सेंटर स्टैंड और ये साइड स्टैंड। साइड स्टैंड जो आपको ऑटो इंजन कटअप फैसिलिटी के साथ मिलेगा। इंजन की आपको लिक्विड कोल्ड इंजन मिलेगी, सिंगल सिलेंडर DOHC 452 cc की इंजन मिलेगी, जो कि आपको पावर 40 BHP की पावर मिल जाएगा, टॉर्क भी 40 न्यूटन मीटर की मिलेगा, और साइड स्टैंड आपको ऑटो इंजन कटअप फैसिलिटी के साथ मिलेगा। 6 स्पीड गियर मिलेगा भाई, आप एक आगे 5 आप पीछे कर सकते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस 169mm की यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा। अब बात करते हैं इस दोनों गाड़ी का प्राइस की, जो बहुत लोग इसको कंपेयर करते हैं ना, छोटे हंटर और बड़े हंटर। पहले बता दूं, हंटर 350 का एक्स शोरूम जो बेस्ट मॉडल है 1,74,000 में मिलने वाला है, और आपको ये गोरिल्ला 450 2,54,000 में मिलने वाला है। और इस गाड़ी का ऑन रोड में स्पेशली कोलकाता की बात कर रहा हूँ तो 3,01,000 के अंदर ये गाड़ी आपको आ जाएगा, और हंटर की बात करेंगे तो 2,04,000 में ये गाड़ी मिल जाएगा। नियर अबाउट आपको 1,00,000 के आसपास आपको ना फर्क देखने को मिल जाएगा दोनों गाड़ी में। बाकी डिफरेंस रेट में प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। और सबसे बड़ी बात होता है इस गाड़ी का माइलेज देखेंगे तो हंटर में 30 से लेकर 35 आपको कैसे मेंटेनेंस कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, और आपको गोरिल्ला 450 में 20 से लेकर 25 तक आपको सिटी और हाईवे में ये माइलेज निकाल के दे देगी। बाकी आप लोगों को ये दोनों गाड़ी का डिटेल कंपेरिजन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी थैंक यू आप लोगों ने हमारे साथ यहाँ तक जुड़े रहे, बाकी थैंक यू आप लोगों ने लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया। वक्त आ चुका है आपसे अलविदा लेने के लिए, फिर वापस आएंगे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक टाटा बाय बाय, नमस्कार दोस्तों।